फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax plus bx plus c is equal to 0। इसमें कोई भी नंबर नहीं है, कहीं भी अल्फाबेट्स दिया हुआ है, केवल a b c और x। हमें इसी इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि वह इक्वेशन जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, और ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए। तो हमारे पास इसमें देखिए राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर वैल्यू जीरो आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसी को हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड 4a से इंटू करने वाले हैं, कुछ बात को ध्यान में रखते हुए। अब क्या बात है देखिए, हमें मल्टीप्लाई करना है 4a से पूरे में करना है, पूरे में हमें मल्टीप्लाई करनी है 4a से, 4a से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। तो आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस 4ac और राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा। अभी भी आपको लग रहा होगा कि क्या फायदा होगा पता नहीं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। आप 4a स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर x स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर x स्क्वायर के जगह पे ऐसा आप लिख सकते हैं। यहां भी देखिए, यहां x का पावर 2 था, यहां x का पावर 1 है, तो हम लोग 4ab x को 2ab टाइप का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 इंटू 2ax, ये देखिए हमने लिख दिया। अब जरा मल्टीप्लाई करिए 4ax, जबकि हमको चाहिए 4ab x, तो b की कमी है, तो हम यहां पे b लिख दिए। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq प्लस qv स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। जरा देखिए, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू के जगह पे यहां पे b है, तो ये तो हमने अलग से ऐड किया है, इसमें तो था नहीं। तो फिर बैलेंसिंग खराब ना हो तो इधर भी ऐड करेंगे, जीरो में ऐड करेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही आएगा। 4ac यहां पे बचा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको आप ले जाइए राइट हैंड साइड में। अब ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, आप ध्यान से अगर कंपेयर करें तो यही है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर इतना है तो हम लिख क्या लिखते हैं, बी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जरा देखिए, बी के जगह पे 2ax हो जाएगा, क्यू के जगह पे बी हो जाएगा, तो हमने लिख दिया इनके लिए, पूरी लेफ्ट हैंड साइड के लिए इतना लिख दिया, और राइट हैंड साइड है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू l अगर है, तो हम y बराबर लिखते हैं प्लस माइनस रूट l लिखते हैं, ठीक। अगर ये बात सही है तो फिर यहां पे जरा देखिए, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर है, ये निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक।
हमें देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2ax और ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो प्लस बी था लेफ्ट हैंड साइड में हमने राइट शिफ्ट कर दिया, हमें तो एक्स चाहिए, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और लेफ्ट हैंड साइड है राइट में जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए और यही वह वैल्यू है जो कि अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद जीरो आएगा और राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। मतलब यही वह सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये सॉल्यूशन एक वेल नोन मैथमेटिशियन इसको कैलकुलेट किए थे, दिए थे, और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्री एस आर आई श्रीधराचार्य अपोस्ट्रोफियस फॉर्मूला, फॉर्मूला हिंदी में लिखते हैं ऐसे, श्री श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने एक्चुअली डिराइवेशन ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला डिस्कस किया है, श्रीधराचार्य का सूत्र का निरूपण कैसे करते हैं, डिराइवेशन कैसे करते हैं। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। एक्चुअली बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई तो करते हैं, क्यों करते हैं, एक्चुअली इसका सोल्यूशन यही क्यों है, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस किया होगा। अगर आपको लगा यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा तो आप अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।